राधा और गर्भवती चिड़िया का प्यार। सोनापुर नाम के गांव में राधा अपने माता पिता और दादी के साथ रहती थी। राधा के पिता खेतों में काम करते थे और उसी से उनके घर का खर्च चलता था। अचानक एक दिन राधा के पिता का एक्सीडेंट होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई और राधा के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर का खर्च चलाने के लिए राधा की माँ जानकी घरों में जाकर काम करती, जिससे उनका खर्च चलता। राधा और उसकी दादी घर पर ही रहती। पिता की मृत्यु के बाद राधा का स्कूल भी छूट गया। वे सारा दिन घर पर रहती और पशु पक्षियों के साथ खेलती। पक्षियों के साथ खेलना राधा को बहुत पसंद था। माँ जी, मैं काम पर जा रही हूँ, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप और राधा दोनों खा लीजिएगा। माँ, मैं सारा दिन घर में उदास हो जाती हूँ, आज आप एक सुंदर सा कपड़ा ले आइएगा, मैं अपनी गुड़िया के लिए फ्रॉक बनाऊंगी। ठीक है, मैं ले आऊंगी, पर तुम घर से दूर खेलती हुई मत निकल जाना। ये कहते हुए जानकी काम पर चली जाती है। राधा अपने घर के सामने लगे पेड़ के नीचे बैठकर पक्षियों की आवाजें सुन रही थी कि तभी उसने देखा वहाँ एक घायल चिड़िया गिरी हुई है। अरे, ये चिड़िया को तो बहुत चोट आई है, ये उड़ भी नहीं पा रही, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। राधा जल्दी से जाकर घर से एक साफ कपड़ा और पीने का पानी लेकर आती है। प्यारी चिड़िया, लाओ मैं तुम्हारा जख्म साफ करके पट्टी लगा दूं। राधा ने चिड़िया की मरहम पट्टी करके उसे पानी पिलाया और अपने घर के अंदर ले आई। तुम कितनी प्यारी बच्ची हो, तुमने मेरी मदद करके मेरी और मेरे बच्चों की जान बचाई। मैं गर्भवती हूँ और इस अवस्था में अगर तुम मदद ना करती तो शायद मेरी जान ना बचती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चिड़िया, तुम चाहो तो मेरे घर रुक सकती हो, ऐसी हालत में तुम्हें बाहर घूमना ठीक नहीं, हमारे घर में तुम सुरक्षित रहोगी और तुम्हारे बच्चे भी। राधा घर के अंदर पेड़ पर चिड़िया के लिए एक सुंदर सा घोंसला बना देती है। जानकी शाम को काम से वापस आती है। राधा उससे पूछती है कि क्या वह गुड़िया के लिए फ्रॉक का कपड़ा लाई। नहीं राधा, आज तो नहीं ला पाई, मेरे पास राशन लेने के बाद पैसे ही नहीं बचे, मैं एक दो दिन में ले आऊंगी। राधा उदास हो जाती है और बाहर जाकर चिड़िया के पास बैठ जाती है। राधा की दादी जानकी से कहती है, तुम्हारे घर पर जाने के बाद राधा तो सारा दिन बाहर ही रहती है, एक चिड़िया उठा लाई है, उसी के साथ सारा दिन लगी रही। अब क्या करें माँ जी, मैं उसे स्कूल भी तो नहीं भेज पा रही, मन लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी, मेरे पास जैसे ही थोड़े से पैसे आएंगे मैं इसे दोबारा स्कूल भिजवा दूंगी। इसी तरह दिन बीतने लगे। उस गर्भवती चिड़िया ने घोंसले में अंडे दिए, जिसे देखकर राधा बहुत खुश हुई। अरे वाह चिड़िया रानी, ये कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे अंडे हैं, अब इसमें से बच्चे कब निकलेंगे? कुछ ही दिनों में इन अंडों में से छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे, तब तक मुझे इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारा और इन अंडों का बहुत ध्यान रखूंगी, ताकि कोई पक्षी इन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए। राधा, तुम्हारी वजह से ही मेरी और मेरे बच्चों की जान बची, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। तुम मांगो, क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगी। चिड़िया, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और मैं स्कूल भी जाती थी, पर पिताजी की मृत्यु के बाद माँ के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई और मेरी फीस ना भर पाने के कारण मुझे स्कूल नहीं भेज पा रही वो, मैं घर पर बहुत उदास हो जाती हूँ। राधा, उदास मत हो, मैं तुम्हें एक जादुई पंख देती हूँ, उस पंख से तुम जो भी मांगोगी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। सच में क्या ऐसा कोई जादुई पंख है तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास है, तुमने मेरी मदद की, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसीलिए तुम इस पंख की हकदार हो, पर इससे वही मांगना जिसकी जरूरत हो, गलत मांग और लालच में इससे कुछ मांगोगी तो उसका उल्टा असर होगा। और हाँ, याद रखना, इसके बारे में किसी को भी मत बताना, इसे हमेशा अपने पास रखना। ये कहते हुए चिड़िया एक सुंदर सा पंख राधा को देती है। उस पंख में से बहुत सुंदर रोशनी निकल रही थी। सच में ये जादुई पंख है, मैंने ऐसा जादुई पंख आज तक नहीं देखा। राधा उस पंख से कहती है
कि उसके सारे दुख और घर की गरीबी दूर हो जाए और फिर पहले की तरह वह पढ़ाई करने के लिए स्कूल जा पाए। ये कहते ही उस पंख में से आवाज आती है, जल्द ही तुम्हारी सारी इच्छा पूरी होगी। अगले ही दिन जानकी को एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में नौकरी मिल जाती है जिसमें उसे काफी अच्छी तनख्वाह मिलती है। अब उसे घर घर जाकर काम नहीं करना पड़ता। इसी तरह उनके घर की गरीबी भी दूर हो जाती है और राधा दोबारा स्कूल भी जाने लगती है। राधा उस पंख को हमेशा अपने पास ही रखती थी। एक दिन उसकी सहेली उसके बैग में वह पंख देख लेती है और वह इतना सुंदर आकर्षक पंख देखकर उसके मन में लालच आ जाता है और वह उसे चुरा लेती है। राधा जब घर वापस आती है और बैग में पंख को नहीं पाती तो वह बहुत परेशान हो जाती है। उसे शक होता है कि हो ना हो ये उसकी सहेली का ही काम है। उधर राधा की सहेली घर जाकर उस पंख को अपने हाथ में लेती है तो उसमें से आवाज आती है, तुमने ये पंख चोरी किया है, ये तुम्हारा नहीं है। चोरी करना बहुत गलत बात है। यदि तुमने अपनी सहेली राधा को इसे वापस नहीं दिया तो तुम्हारा बहुत बुरा हश्र होगा। ये आवाज सुनकर उसकी सहेली बहुत घबरा जाती है और भागी भागी राधा के घर जाती है। राधा, ओ राधा, लो अपना पंख, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर इसे चुरा लिया था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ऐसा कहते वह राधा को पंख वापस कर देती है। इसके बाद उस पंख के साथ राधा को कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। उनके घर के हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं और वह भी खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। राधा उस चिड़िया और उन बच्चों को हमेशा के लिए अपने घर में ही रहने को कहती है और उनका बहुत ध्यान रखती है। उन्हें समय पर दाना पानी देना वह कभी नहीं भूलती और वे मिलकर सब प्यार से एक साथ रहने लगते हैं।